मस्तूरी क्षेत्र के एटवा पाली स्थित ऐतिहासिक मंदिर से 10वीं-11वीं शताब्दी के दुर्लभ भावर गणेश की 2 करोड़ की कीमत वाले काली ग्रेनाइट की मूर्ति करीब 3 फीट ऊंची व 65 किलो वजनी है, जो आज 5वीं बार फिर चोरी हो गई। ग्रामीणों के बताए अनुसार सुबह सुबह आज जब मंदिर का दरवाजा खोलने गए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और गर्भगृह से मूर्ति फिर से गायब है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल मस्तूरी पुलिस को दी है। मौके पर मस्तूरी पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जो पूछताछ कर रही है। एटवा पाली स्थित भावर गणेश मंदिर की मूर्ति ग्रेनाइट की दुर्लभ मूर्ति है, जो मल्हार स्थित डिंडेश्वरी देवी की समकालीन है। 7वीं से 10वीं सदी के बीच के विकसित मल्हार की मूर्ति कलाओं में भावर गणेश को भी प्रमुख माना जाता है। इसी मंदिर में 4 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। पहली बार 2004 में प्रतिमा की चोरी हुई, लेकिन चोर जिले से बाहर जा नहीं पाए थे। इसके बाद अप्रैल 2006 को मूर्ति की चोरी हुई। 2007 में भी मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश हुई थी और 26 अगस्त 2022 को चोरी हुई थी, लेकिन इसके सुरक्षा के लिए आज भी शासन प्रशासन की ओर से कहीं कोई बड़े कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से आए दिन यह मूर्ति चोरों के निशाने पर रहती है। बजे घटना हो रहा था, आपकी कुछ जानकारी है? जानकारी है, 5:30 बजे आए हुई है। दरवाजा चालू करत रहे रोज, नहीं चालू करे होते, देखे नहीं, पर्दा खुला कर दी थी, देख के लौट गया। फिर लौट के सरपंच घर गया, सरपंच में जगाया, 4-5 मिनट में जागी से लटपट, बात को मार घर गया, वो 4-5 मिनट में जागी से, और फिर आके लगे बैठे रहे कोटवार गांव वाले, मतलब ब्लाक लाई से सब कोटवार से पता दी से सब फोन में, इसी मुँह में बताई से। आप कौन? मैं लंके सेवादार। का नाम है आप? महेश रामपुर पसराबी के। मत